जय श्री राधे प्रभु जी। यह आसक्ति और यह मोह ही तो हमें कृष्ण चरण सेवा तक ले जाएगा। यह आसक्ति यदि आपकी स्त्री पुत्र धन धान्य मकान गाड़ी बंगला में होती तो अपराध का कारण होता और जड़ीय आसक्ति आपकी बंधन का कारण होती। कृष्ण में जो आसक्ति है यही हमें चाहिए। हाँ, उसको आप प्लास्टिक की मूर्ति समझ, मेरे को बताने के लिए शायद कह दिया है आपने। आप उनको साक्षात कृष्ण ही समझें, वे साक्षात कृष्ण ही हैं जो सदैव आपके पास रहते हैं और उनमें कृष्ण का जीवंत जागृत कृष्ण का भाव करके कृष्ण में आसक्ति को करेंगे तो आपका कल्याण ही कल्याण है, आनंद होगा। धीरे धीरे नाम जप करेंगे, साधन करेंगे, वैष्णव सेवा करेंगे, रुचि करेंगे, निष्ठा होगी तो आपको कृष्ण चरण प्रेम प्राप्ति शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी, खूब आराम से हो जाएगी। बस थोड़ा सा उसमें से ये भाव निकाल दीजिए कि ये प्लास्टिक का कोई टुकड़ा है, ये प्लास्टिक प्लास्टिक कुछ नहीं है, ये मेरे ठाकुर हैं, साक्षात मेरे साथ रहते हैं, ये जीवंत है, ऐसा उनमें भाव करिए, उनकी सेवा पूजा भी करिए, उनमें आसक्ति करिए, बहुत अच्छी बात है। जय श्री राधे, जय निताय। हरि बोल।